पोरोसिटी क्या था, जल्दी से कोई बताओ। पोरोसिटी को हम लोग एन से डिनोट कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ वायर बाय वॉल्यूम ऑफ क्या था, टोटल सैंपल था, सैंपल का वॉल्यूम या सॉलिड का वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सैंपल को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ये जो वॉल्यूम ऑफ सैंपल होता है, क्या क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है ना। वाइड रेशियो क्या था, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। वाइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही था। वाइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या था, ई बाय वन प्लस ए, ठीक है। सभी लोग अच्छे से रिवीजन किए हो इसका मतलब है, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था और ज्यादा कोई डिफरेंस था नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े थे, एक ड्राई डेंसिटी और एक बल्क डेंसिटी पढ़े थे, है ना। तो ड्राई डेंसिटी क्या होता है, बल्क डेंसिटी वन प्लस मॉइस्चर कंटेंट था, ठीक है ना। और मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ये जो मॉइस्चर कंटेंट क्या था, यही था ना, मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉलिड। मास ऑफ वाटर में क्या था, हम स्टार्टिंग बताए थे कि कोई सैंपल है जिसमें कोयला भी था प्लस मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहता है, एग्जाम्पल दिए थे। जब इसको ड्राई किए हैं ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हीट किए थे, तो इसका वेट कोल प्लस सैंपल जो था, मतलब कोल प्लस वाटर था, अब क्या सिर्फ बच गया है, कोल बच गया है यहाँ पे, ठीक है ना, वाटर निकल गया है। डिवाइड बाय जो एक्चुअल में वजन था ओवन में ड्राई करने के बाद, ये हो गया। और सभी जगह 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना, परसेंटेज में निकालने के लिए। ये ड्राई डेंसिटी था। और क्या था, हम लोग पढ़े थे लास्ट में डिग्री ऑफ सेचुरेशन पढ़े थे। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वायर, यही था ना। ये मेन फॉर्मूला हमेशा माइंड में अपने बैठा कर रखना, ठीक है। अब आज कुछ अलग कुछ कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक होता है स्लेक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट या इंडेक्स, ये तुम लोग सभी लोग जो रॉक मैकेनिक्स का लैब किए होगे ना, तो वहां पे बताया गया होगा कि स्लेक ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है। अच्छा ये बताओ, कोई भी जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जो इतना पढ़ रहे हैं ना, ये इतना सारा है, वायर रेशियो, पोरोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एक परमिएबिलिटी भी छूट गया है, क्यू बराबर के आई ए के, डेल एच बाय एल इंटू ए, ठीक है ना। ये जो भी पढ़ रहे, इसको पढ़ने से क्या होगा ये बताओ, ठीक है। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जो रॉक मास पढ़ रहे हैं, जिसमें वायर रेशियो पढ़ रहे हैं, पोरोसिटी पढ़ रहे हैं, मतलब ये सब पढ़ के फायदा क्या होगा, हम लोग बेनिफिट क्या होगा इसका, कहीं तो इसका हम लोग यूज करते होंगे ना। ये जो निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं, वायर रेशियो ये है, पोरोसिटी है, कहीं तो यूज करते होंगे इसका हम लोग। आगे काम आएगा ये बेस है सर। हाँ ये तो हम लोग बता रहे हैं यार पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी रियल लाइफ में, मतलब माइंस में हम लोग कहाँ यूज करेंगे इसको, माइंस में मान लो, जैसे होता है ना, जब हम लोग मान लो इनक्लाइन खोलना चाह रहे, जैसे मान लो क्या है कि पता चल गया है कि यहाँ पे कोयला है, ठीक है ना, ये कोयला है। अब हम लोग इनक्लाइन बनाना चाहिए, इनक्लाइन बनाना है तो क्या करेंगे, हम लोग एक्सकेवेशन करेंगे, ये मटेरियल काट के हटाएंगे, रास्ता बनाएंगे। अब यहाँ ये सब पे है ना, इनक्लाइन बना रहे हैं, शाफ्ट बना रहे हैं, ठीक है ना।
तो वहां पे हम लोग को देखना होगा कि अगर शाफ्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, ये शाफ्ट हो गया, आसपास का जो रॉक है उसका नेचर क्या है एक तरीके से, ठीक है ना, कहीं पूरा हाईली पोरस रॉक तो नहीं है, वायर रेशियो से क्या पता चलेगा, कहीं ज्यादा उसमें वायर तो प्रेजेंट नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट से क्या पता चलेगा, कहीं उसमें ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का तो क्षमता नहीं है। तो ये सारा चीज है ना, हम लोग जब भी अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन जब करते हैं ना, जब भी हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं, जब भी हम लोग किसी साइट पे माइनिंग वगैरह प्लानिंग करते हैं, उस साइट पे जब भी एक्सकेवेशन करने के लिए हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ एक्सकेवेशन करना है, मतलब वहां पे हम लोग कुछ निर्माण करना है, बनाना है, तो उस केस में ये सारा पैरामीटर वहां पे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है ना। मतलब ये सब चीज का जानना, अब मान लो परमिएबिलिटी है, ठीक है ना, कि जान रहे कि अंडरग्राउंड वाटर, मतलब अंडरग्राउंड में सीपेज वाला प्रॉब्लम है, ये सीपेज हो रहा, मतलब क्या हम लोग को सीधा समझना क्या चाहिए कि ऊपर में पोर्स तो है ही, लेकिन आज साथ में क्या हो गया, सारा पोर्स इंटरकनेक्टेड हो गया, आपस में एक दूसरे से लिंक हो गया। तो ये सारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम लोग किसी तरह का एक्सकेवेशन करते हैं, या क्या बोल रहे हो, ब्लास्टिंग सपोर्ट वगैरह हम तो करता ही है, कि मान लो हम लोग सपोर्ट उसी तरीके से डिजाइन करेंगे फिर। हाँ, ब्लास्टिंग में भी करते हैं ना, जैसे मान लो ठीक है, ब्लास्टिंग में हम लोग वहां पे मेनली बोल सकते हो क्रेक वगैरह अगर प्रेजेंट है, या कम्पेक्टेड रॉक है, हार्ड रॉक है, तो उस केस में हम लोग अलग अलग ब्लास्टिंग पैटर्न या क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव वगैरह हम लोग कम और ज्यादा करते हैं। अगर क्रेक वगैरह रहेगा तो वहां पे लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव यूज कर लेते हैं हम लोग, और अगर कहीं पे पूरा हाईली कॉम्पेक्टेड रॉक रहा तो वहां पे हम लोग हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव यूज कर लेते हैं। तो मतलब ये सारा चीज इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये सब पढ़ने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन पढ़ना किस लिए है, कि हम लोग फ्यूचर में या कभी भी जब हम लोग माइनिंग के लिए कहीं भी एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको सारा चीज का आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। मान लो कि वॉइड रेशियो जान रहे कि बहुत ज्यादा है, कहीं वॉइड रेशियो आया 90%, मतलब क्या रोक बहुत हाईली पोरस है, मतलब वो है कि अगर हम लोग मान लो ये फुल था, ठीक है ना, हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ शाफ्ट बनाना है, ये अभी शाफ्ट नहीं बना है, ये पूरा फुल है, ठीक है ना, और हम लोग सोच रहे थे यहाँ शाफ्ट बनाना है, लेकिन जब वॉइड रेशियो निकाले तो पता चला कि 80% वॉइड रेशियो है, मतलब क्या है, ये बाहर से तो ठीक ठाक दिख रहा है लेकिन अंदर बहुत ज्यादा इसमें वॉइड प्रेजेंट है, तो मतलब उस जगह पर अगर हम लोग शाफ्ट बनाएंगे तो शाफ्ट ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, शाफ्ट कोलैप्स कर जाएगा। तो ये सारा चीज हम लोग डिटरमाइन करने के लिए कहाँ पे एक्सकेवेशन करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारा चीज का इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो उसी में एक आता है ड्यूरेबिलिटी, जिसका मीनिंग होता है इट मे बी डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस टू डिस्ट्रक्शन। आरक्यूडी वगैरह अलग से पढ़ेंगे, हाँ उसके लिए भी सैंपल वगैरह लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब मीनिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस टू डिस्ट्रक्शन। ये भी क्या करते हैं हम लोग, लेब में डिटरमाइन करते हैं, मतलब अगर कोई रॉक मास ज्यादा ड्यूरेबल है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इट विल लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड व्हेन पुट टू एन यूज, मतलब अगर कहीं ड्यूरेबल रॉक मास रहा, मतलब है कि उस पर वेदरिंग वगैरह का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन ये आएगा यार, ये यूपी माइंस इंस्पेक्टर वाले हैं ना, उसके लिए आएगा, बाकी माइनिंग सरदार ओवरमैन के कोर्स में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन सोच रहे थे अभी कि पढ़ा ही रहे हैं ये, तो तुम लोग भी अटेंड कर लो, कोई लॉस तो नहीं होगा इसलिए, ठीक है, बस इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा ये, उसके बाद फिर तुम लोग का जो था ना वो रेस्क्यू होना स्टार्ट होगा। मतलब क्या है, कोई अगर रॉक मास बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब क्या वो लॉन्गर पीरियड तक लास्ट करेगा, होता ना टिकाऊ, जैसे नहीं देखते हो कभी जाते हो कुछ बाजार में खरीदने के लिए, ज्यादा दिन चलेगा कि नहीं, बोलते हैं ड्यूरेबल है, तो बस वही है रॉक मास के केस में भी। तो इसको जानने के लिए कि ड्यूरेबल है या ड्यूरेबल नहीं है, ये कैसे पता करेंगे हम लोग, तो इसके लिए एक होता है स्लेट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है ना।
ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पूरा, अभी हम एक्सपेरिमेंट बताने वाले हैं कैसे क्या करना है। कॉलेज में अगर किसी का रोक मैकेनिक्स क्लेम होता है तो वहां पे ये सारा चीज अवेलेबल होता है, ये सेटअप वहां पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले एक बार तुम लोग कुछ व्यू करवा लेते हैं। जैसे मान लो ये डिफेंस ट्रैक रॉकी ए है, सबका नाम कर दिया, बी है, सी है, डी है, ई और एफ। अब यहाँ पता करना है कौन सबसे ज्यादा टिकाऊ, मतलब कौन सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब किस पे वेदरिंग वगैरह का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कौन लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी जगह से सैंपल लेंगे, ठीक है ना। मान लो 500 ग्राम का हमको सैंपल कलेक्शन करना है, 500 ग्राम का, और ये जो पीस रहेगा ना ये 10 पीस के अप्रोक्स, मतलब 50 50 ग्राम का एक पीस रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट 50 नहीं हो सकता है, 40 से 60 ग्राम तक का वेरी कर सकता है। तो मिला जुला के मतलब 10 पीस करना है हम लोग को, जिसका टोटल वेट कितना होना चाहिए, 500 ग्राम। तो ये सभी जगह से लेंगे, ठीक है ना। ए से भी ले लिए सैंपल, बी से भी ले लिए, सी से भी ले लिए, डी ई एफ जो भी है सभी जगह से हम लोग सैंपल ले लिए। देखो ये सैंपल ले लिए, ठीक है ना, इसी तरीके से सैंपल ले लिए, ठीक है, ये सैंपल सैंपल ले लिए हम लोग, और सैंपल दिखा दिए कि सैंपल देखो, सैंपल ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, ठीक है ना, एकदम स्मॉल स्मॉल, कि उसका टोटल वेट है ना 500 ग्राम से ज्यादा ना हो, 500 ग्राम ही वेट हो, ठीक है ना। ये हम लोग सैंपल ले लिए। अब यही उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये जो है ना ये ड्रम है, ठीक है ना, ये सिलेंड्रिकल ड्रम है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो जो भी सैंपल है ना, अगर इसमें कोई भी डस्ट वगैरह प्रेजेंट है तो डस्ट को हम लोग क्या करेंगे, ब्रश वगैरह से ब्रशिंग कर देंगे। अगर कोई इसमें कॉनिकल शार्प कॉर्नर प्रेजेंट है, जैसे मान लो अगर ऐसा ऐसा करके कोई आ गया है, तो क्या है शार्प कॉर्नर प्रेजेंट, तो ये सब को हम लोग हल्का सा ड्रेस कर देंगे, ठीक है ना, ड्रेस कर देंगे कि यहाँ पे इस तरीके वाला पोर्शन बचे, ठीक है ना, मतलब ड्रेस कर देंगे, कॉर्नर वगैरह नहीं हो रहने देंगे, ठीक है ना। कोई कॉर्नर रहेगा, पता चला कि यही कॉर्नर वाला पोर्शन ज्यादा झड़ जाएगा उस केस में, तो हम लोग है कि सही से एक्सपेरिमेंट करना है कि कॉर्नर ना बचे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, उस सैंपल को है ना इस ड्रम में रख देंगे। तो यही एक ड्रम यहाँ दिख रहा होगा, देखो ये जो ड्रम दिख रहा है ना, हल्का से दिख रहा है, ये नेट टाइप से दिख रहा है ना, साइड में देखो इधर से उधर लग रहा है, नजर आ रहा है। ये 2 mm साइज का सीव होता है, 2 mm, मतलब अगर ये, अब क्या करेंगे, सैंपल को इसमें रख लिए, ठीक है ना, सैंपल को इसमें रख लिए, अब 10 मिनट तक, 10 मिनट, और ये क्या होता है, यहाँ वाटर रखे हुए, ठीक है ना, पानी, ये नॉर्मल वाटर भी हो सकता है या डिस्टिल वाटर भी हो सकता है। और सैंपल को क्या किए हैं, पूरा ब्रश वगैरह अच्छा से करके कॉर्नर वगैरह पोर्शन हटा के इस ड्रम में भर डाल दिए सैंपल को, ठीक है ना। अब ये सैंपल को क्या करेंगे हम लोग, 10 मिनट तक 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 20 बार रिवॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना, सेटअप किया जाता है इसका, सेट किया जाता है। तो जब घुमाएंगे 20 मिनट, मतलब 10 मिनट तक 20 बार, मतलब 1 मिनट में क्या करेंगे, 20 बार घूमेगा, तो 10 मिनट में टोटल कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 1 मिनट में 20 टाइम्स, तो 10 मिनट में 20 न्यूटन, 200 टाइम्स, मतलब जब 200 टाइम से रिवॉल्व होगा, तो फिर क्या होगा कि आपस में क्या है कि जो भी सैंपल है आपस में एक दूसरे से टकराएगा, और नीचे क्या है, पानी है, तो जो भी जो डस्ट वाला रहेगा ना, धीरे धीरे जो भी उससे झड़ेगा थोड़ा बहुत, जो भी वो क्या होगा, पानी में जमा हो जाएगा। तो उसके कारण से क्या होगा, सैंपल का जो है ना वेट कम होगा, वेट लॉस होगा कि नहीं। मान लो पहले 500 ग्राम का सैंपल था और ड्रम का वेट कितना था, ड्रम का वेट मान लो 432 ग्राम था, तो टोटल अगर वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 932 ग्राम, 932 ग्राम। लेकिन अब क्या हुआ है, जब इसको हम लोग यहाँ पे ड्रम में सेटअप करके जब रोटेट करवाए हैं, तो वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, वो मान लो वेट लॉस होके कुछ आ गया, मतलब ये जो 932 ग्राम, इससे कम ही आएगा हमेशा, जब भी आएगा कम आएगा, मान लो ये आ गया 860 ग्राम,
अब 860 ग्राम मतलब कैसे आएगा, मतलब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है वेट कर लिए यहाँ पे, उसके बाद दोबारा इसको क्या करेंगे, सेकेंड बार में फिर से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करेंगे। मतलब ये जो निकल रहा है ना, यहाँ से ID 1 निकलेगा, यहाँ से ID 2 निकलेगा, कैसे निकलेगा बता रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट अभी जो बता रहे हैं वो समझने की कोशिश करो। फिर दोबारा से क्या करेंगे इसको, ये जो बच गया 860 ग्राम है ना, इसको ड्राई करेंगे ओवन में, थोड़ा हीट करेंगे कि एकदम पूरा वो सूख जाए, उसमें मॉइस्चर जरा से प्रेजेंट ना रहे। ये जो पानी लिया होगा थोड़ा सा, यहाँ से पानी इसके अंदर गया होगा, वो पानी उसके अंदर ना आए। तो दोबारा से भी क्या करेंगे हम लोग, ओवन में उसको ड्राई कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करेंगे, और उसके थ्रू हम लोग ID 2 निकालेंगे। अब जिसके थ्रू अब ये ID 1 निकल गया तो सेलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स 1 हो गया, और ID 2 निकल गया सेलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स 2 हो गया। मतलब ये टोटल एक्सपेरिमेंट था। अब देखो वेट कर रहे हैं सैंपल को, इसमें क्या था अभी जो बताया कि यहाँ जो इस पे ध्यान देना ठीक है ना, कि 930 ग्राम सैंपल था, ड्रम प्लस सैंपल का वेट है ठीक है ना, ये ड्रम का वेट है प्लस किसका वेट है, सैंपल का वेट है। जब हम लोग फर्स्ट बार ID 1 किए हैं, जब एक बार है ना 10 मिनट तक 20 RPM के स्पीड से इसको रिवॉल्व करवाए हैं, तो उस केस में जो वजन बचा हुआ है वो वेट कितना आ गया है, स्टार्टिंग में 930 था, अब जो बच गया है 871 ग्राम बच गया है ठीक है ना। और इसमें हम लोग मान रहे हैं कि जो ड्रम का वेट कितना था, 432 ग्राम, इसमें जो ड्रम का वेट है वो कितना है, 432 ग्राम। तो अगर हम लोग सैंपल का वेट निकालना रहेगा कितना आएगा, 930 माइनस 432, ये हो जाएगा 498 ही आएगा ना, 2 3 12 13 14, हाँ मतलब सैंपल कितना था, 498 ग्राम का सैंपल लिए थे, और ड्रम का वेट कितना था, 498 ग्राम का सैंपल था, और ड्रम का वेट यहाँ पे कितना था, ड्रम का वेट 432 ग्राम था, ड्रम का वेट, ये दोनों वेट को कंबाइन कर दिए, इसको ए बोल रहे हैं जिसका वजन हो रहा है कितना, 930 ग्राम। जब हम लोग एक बार एक्सपेरिमेंट किए हैं फर्स्ट सेटअप में, तो उस केस में वेट कितना आ रहा है, 871 ग्राम जो है। तो वेट किसका रिड्यूस होगा, ड्रम का तो वेट रिड्यूस नहीं होगा, वेट किसका रिड्यूस होगा, कोल सैंपल का रिड्यूस होगा। तब हम लोग सेलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नहीं समझो तुम यहाँ पे, मतलब हम जो बताना चाह रहे वो समझो, बी माइनस डी बाय ए माइनस डी। डी क्या बता रहा है यहाँ पे, वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम, मतलब ड्रम का वेट कितना है, ये डी है ठीक है ना। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, बी माइनस डी बाय ए माइनस डी इंटू 100। मतलब क्या लिख रहे हैं सो देखो, बी क्या हो गया, कितना वेट बचा था, माइनस 871 मतलब वेट बचा था, जिसमें से अगर हम लोग ड्रम का वेट माइनस कर देंगे तो किसका वेट निकल जाएगा, कितना वेदरिंग हुआ है मतलब कितना उससे झड़ा है ठीक है ना मटेरियल। और नीचे क्या लिख रहे हैं हम लोग, ए माइनस डी, ए कितना था, 930 था, मतलब ओरिजिनल सैंपल कितना लिए थे, अब बचा है 432 × 100। मतलब क्या, एक तरीके से ID 1 जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, मतलब अब जो रिमेनिंग मटेरियल बचा है ठीक है ना, रिमेनिंग मटेरियल का वेट या रिमेनिंग सैंपल का वेट, वेट ऑफ रिमेनिंग मटेरियल सैंपल डिवाइड बाय वेट ऑफ ओरिजिनल सैंपल, यही तो है ना। तो ये सेलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स इसी तरीके से निकलता है, मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब मान लो इसी में तुम लोग एक सॉल्व करना अभी ठीक है ना, एक हम दे रहे हैं क्वेश्चन कि ड्रम प्लस कोल सैंपल का जो वेट है जिसको हम लोग ए बोल रहे हैं ठीक है ना, ये मान लो 900 ग्राम है, राउंड फिगर में दे रहे हैं कि तुम लोग कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो ठीक है ना। ड्रम का जो वेट था
वेट ऑफ ड्रम ये यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि 400 ग्राम है। जब हम लोग फर्स्ट साइकिल कंप्लीट किए हैं तो ये जो टोटल वेट बच रहा है ना ड्रम प्लस कॉल सैंपल का वो 800 ग्राम बच रहा है। तो ये बताओ सेलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा। हम ए बी सी डी नहीं लिए हैं, तुम लोग थोड़ा सोचो यहाँ पे कि ए बी सी डी क्या है। एक बार और हम छोड़ो, हम नहीं बता रहे, पहले तुम लोग सॉल्व करो इसको क्या होगा। मतलब क्या था सीधा सिंपल ये फॉर्मूला तुम सोच लो कि वेट ऑफ नीचे ओरिजिनल सैंपल है और ऊपर में क्या है रिमेनिंग कितना बच रहा है। into 100 कर देना, ठीक है ना, उतना परसेंटेज आ जाएगा। 80% सभी का आ रहा है। इसमें ड्रम का वेट कितना हो गया है 400 ग्राम, ठीक है ना। सैंपल कितना था, ओरिजिनल सैंपल 500 ग्राम का था, ठीक है। और लास्ट में बच रहा है 800 ग्राम, जिसमें 400 ग्राम किसका सैंपल, मतलब 400 ग्राम ड्रम का वेट थी, 400 ग्राम हो गया into 100 हो गया। कितना आ गया, ये भी ग्राम में रहे, ग्राम ग्राम कट जाएगा, 80% आ गया ना सभी का 80%। तो ये होता है सिलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स, जिसको है ना सभी IIT NIT VIT वगैरह जितने भी कॉलेज होते हैं ना सब में ये सेटअप होता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले में भी होता होगा, लेकिन पता नहीं करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता, नहीं पता, लेकिन यही प्रोसेस है एकदम पूरा। ये फर्स्ट बार निकाले कि इतना आ गया, उसी तरीके से हम लोग सेकेंड बार निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट बार हम लोग 2 का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वही मेथड है निकालने का। ये फर्स्ट वाले के लिए था और सेकेंड वाले के लिए ये है, सेकेंड वाले के लिए ये है और ये है। तो फर्स्ट में कितना निकला है सैंडस्टोन का, 87.8%। डोलोमाइट का कितना निकला है ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स, 98.79%। मतलब क्या यहाँ पे, ये देखो ये दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो मतलब क्या कौन ज्यादा टिकाऊ है ये बता, ज्यादा ड्यूरेबल कौन है दोनों में, सैंडस्टोन और डोलोमाइट में ज्यादा ड्यूरेबल कौन है। डोलोमाइट, ठीक है ना, क्योंकि उसका परसेंटेज में बहुत कम रिडक्शन हुआ है, इसका परसेंटेज में अप्रोक्स 12 पॉइंट समथिंग का रिडक्शन हो गया है, ठीक है ना। अब इसी प्रोसेस को फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, दोबारा जो बताया था ना सेकेंड साइकिल में रिपीट करेंगे, तो सेकेंड साइकिल में फिर से दोबारा रिपीट किए हैं। तब क्या आया है, सैंडस्टोन का 78.11 आ रहा है और डोलोमाइट का 97.7 आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पे 87.8 था इसका स्टार्टिंग में, 87.8 है, ठीक है ना, और 98.79। मतलब देखो सैंडस्टोन का स्टार्टिंग में तो 100% होता है सबका, ठीक है ना, कि 100% ड्यूरेबल मान के चलते हैं, लेकिन क्या हुआ है फर्स्ट बार किए तो 88.78 आ गया, सेकेंड बार किए तो कितना जल्दी से इसका मतलब सब झड़ रहा है, वो जो मटेरियल वेदरिंग हो रहा है कितना ज्यादा स्पीड से हो रहा है। और इस केस में देखो डोलोमाइट के केस में 98.79 है और सेकेंड केस में 97.7, मतलब बहुत कम रिड्यूस हुआ है। ये 100 से कहाँ आ गया 78.11 पे, और ये मतलब अगर डोलोमाइट और सैंडस्टोन का कंपेरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा टिकाऊ कौन होगा, डोलोमाइट होगा। ज्यादा ड्यूरेबल कौन होगा, डोलोमाइट होगा। मतलब इस पे एटमोस्फेयर वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेदरिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है ना। तब हम लोग क्या है कि अगर मान लो कहीं दो जगह भाई कहीं है कि हम लोग एक्सकेवेशन करने जा रहे हैं और लॉन्ग लास्टिंग, जैसे क्या होता है शाफ्ट वगैरह जब हम लोग बनाते हैं तो होता है ना कि शाफ्ट बनाए या इंक्लाइन बनाए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, मतलब जब तक माइंस चल रहा है तब तक ये सबको रहना चाहिए, है ना, टिकाऊ होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग वहां पे क्या करेंगे सिलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे सिलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा आ रहा है, जहां पे ज्यादा आ रहा है वहां पे हम लोग शाफ्ट बनाएंगे, एक्सकेवेशन करेंगे। क्लियर हो गया सभी को, बहुत ही सिंपल था। ये देखो वजन करने के लिए वे कर रहे हैं ना उसका, कि फर्स्ट बार साइकिल किए हैं। अब थोड़ा सा ये पूरा एक्सपेरिमेंट तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, बता ही दिए अधिकतर सारा चीज बता दिए हैं।
इसमें क्या था देखो, यहाँ पे खाली ये देख लेना ठीक है ना, 500 ग्राम ऑफ ड्राई रॉक सैंपल लिए थे, जिसको ब्रोकन कर रहा है कितना 10 पीसेस में करना है, और जो ड्रम मेरा कर रहा है ना वो ड्रम का डायमीटर कितना है ठीक है ना, पूछेगा नहीं वैसे ध्यान। ये जो ड्रम है ये ड्रम का ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, ड्रम का डायमीटर कितना है 140 mm है, और लेंथ कितना है ड्रम का, वो लेंथ है 100 mm है ठीक है ना, मतलब लेंथ इस तरीके से रहेगा, लेंथ ये हो गया, ये डायमीटर हो गया ठीक है ना, ये सर्कुलर रहेगा पूरा। और इसमें क्या रहता है 2 mm का जो है ना, अगर 2 mm से कम साइज का डस्ट रहेगा सब इससे निकल जाएगा नीचे, वो सब कहाँ बैठ जाएगा, ये पानी वाला बाथ जो रखे है ना, बाथ टब पानी में सब आ जाएगा ठीक है। और 10 मिनट के लिए घुमाएंगे 20 RPM की स्पीड से, और जो सैंपल को फिर ड्राई कैसे करेंगे, मान लो स्टार्टिंग में भीग गया है, दोबारा उसको हम लोग वजन वगैरह कर रहे हैं ना, मान लो एक बार इतना हो गया है वेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सैंपल को हम लोग ड्राई कितना टेम्परेचर पर करेंगे, 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसके बाद इसको दोबारा रोटेट करेंगे, बस यही है, अब बाकी कुछ नहीं, ये सारा चीज़ तो बता ही दिए थे, ये लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये वही लिखा हुआ है जो बताया हुआ है ना, ID 1 ID 2, ये ID 2 हो गया, इसी तरीके से हम लोग ID 1 निकालेंगे, जो भी सैंपल 10 पीस रहेगा, 40 से 60 ग्राम का रहेगा, ये सारा चीज़ ठीक है ना, ये वही लिखा हुआ है जो उतना लंबा चौड़ा बताया है ना, 2 mm का रहेगा ठीक है। तो ये सेलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स सभी को क्लियर हो गया है, अब वही बता रहे कि यहाँ, अब क्या बताना चाह रहे थे हम कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो 6 सैंपल है ना, मान लो किसी माइंस के आसपास में यही सारा चीज मौजूद है, अब हम लोग कहीं पे शाफ्ट बनाने का सोच रहे हैं, तो पोरोसिटी वायर सारा चीज देखते हुए वहां पे सेलेक्ट ड्यूरेबिलिटी भी निकाल लेंगे कि क्या है, उसके अनुसार उस जगह पे हम लोग शाफ्ट वगैरह जो भी बनाना रहेगा, जो भी एक्सकेवेशन करना रहेगा, जो पर्पस रहेगा वो करेंगे वहां पे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो वेरी हाई ड्यूरेबिलिटी किसको बोलेंगे, कि फर्स्ट बार जब ID 1 है ये 99% से ज्यादा बच जाए ठीक है ना, ये ID 2 है, कि सेकेंड बार में 98 से ज्यादा, ये वेरी हाई ड्यूरेबिलिटी हो गया, हाई ड्यूरेबिलिटी किसको बोलेंगे, 98 to 99 और 95 to 98, मीडियम हाई किसको बोलेंगे, मीडियम किसको बोलेंगे, लो किसको बोलेंगे, या वेरी लो किसको बोलेंगे, देखो वेरी लो क्या हो गया कि 40% यहाँ से निकल गया, झड़ गया, यहाँ 70%, सेकेंड बार जब करेंगे 70% उससे निकल जाएगा, 30% ही बचेगा, तो इस समय क्या होगा, अगर शाफ्ट बनाएंगे ना, तो शाफ्ट पता चला कि जैसे नहीं होता है अभी पुल वगैरह देखते हो ना, पुल वगैरह बनाया जाता है, मान लो तो होता है कि मटेरियल अच्छे से बनाता नहीं है, तो वही होता है क्या कि ड्यूरेबल, जो ड्यूरेबल मटेरियल होना चाहिए ना, टिकाऊ, वो चीज यूज नहीं करता है, वो लोग ऐसा बना देता है पुल वगैरह कि वहां पोरोसिटी भी तुमको ज्यादा मिल जाएगा, वायड रेशियो भी तुमको ज्यादा मिलेगा, परमिएबिलिटी भी ज्यादा मिलेगा, कि पानी पड़ेगा ना तो पानी इधर से इधर निकल जाएगा ठीक है ना, या